अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ एक ब्यूटी टिप शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आप अपनी फटी हुई हीलों को कैसे ठीक कर सकते हैं। जो पाँव की हीलें फट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, तो पाँव बहुत ही बदनुमा नज़र आते हैं और हर लड़की की कोशिश होती है कि उसके पांव बहुत खूबसूरत नज़र आएं। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपने इस वीडियो को बहुत गौर से एंड तक देखना है और कोई स्टेप मिस नहीं करना, और आपने इसको ज़रूर अपने पांव पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए जो हमें चाहिए वो सबसे पहले है एक अदद आलू। आलू लेने के बाद आपने इसको कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। एक अदद आलू लेने के बाद आपने इसको कद्दूकश कर लेना है, और उस कद्दूकश किया हुआ आलू आपने क्या करना है कि आपने उसको मलमल के कपड़े में डालकर उसका पानी निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह जो मैंने पहले ही ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। एक अदद आलू लेने के बाद आपने उसको कद्दूकश कर लेना है और उससे मलमल के कपड़े में उसको छान लेना है, ठीक है। तो ये मैंने पानी इसका निकाल लिया था, इसको हमने एक साफ बाउल में डाल लिया है। उसके बाद हमें चाहिए एक चम्मच छोटे वाला, आप ले सकते हैं नमक, एक चम्मच नमक डाल दिया इसमें। उसके बाद हमें चाहिए टूथपेस्ट, ठीक है, आप कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही डाल देते हैं। आपने एक चम्मच या एक चम्मच फुल कर लें और एक हाफ कर सकते हैं। इसमें टूथपेस्ट ऐड कर दिया। उसके बाद हमें इसके लिए चाहिए लेमन, उसके लिए हमें चाहिए लेमन। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि टूथपेस्ट अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। आप एक दफ़ा आप फिर सुन लें कि इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक अदद आलू चाहिए, उसको आपने कद्दूकश कर लेना है। उसके बाद आपने उसे मलमल के कपड़े में डालकर उसका यानी उसको छान लेना है, पानी निकाल लेना है, और उसके बाद आपने उसमें डालनी है एक चम्मच टूथपेस्ट, एक चम्मच नमक और एक लीमू, ठीक है, उसका हाफ हिस्सा, ठीक है। उसको डालने के बाद आपने इसको इस तरह मिक्स कर लेना है, और उसके बाद जो आपने लेमन इसमें निचोड़ा है उसी की मदद से आपने इसको ऐसे डिप करना है, और आपकी जो हीलें फटी हुई हैं पाँव की उसके ऊपर आपने स्क्रबिंग करनी है इस तरह, ठीक है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक आपने अपनी हीलों पर इस तरह इसको कर इस तरह, ठीक है, इस तरह अपनी आपने तमाम अपनी हीलों पे जहाँ जहाँ आपने ऐसा फटा हुआ है वहाँ पे आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है बहुत अच्छे तरीके से। फिर उसको 10-15 मिनट तक आप छोड़ दें और उसके बाद फिर आप वॉश कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी है। आप प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी, बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।